शॉर्ट टाइम एंड ट्रिक्स के पार्ट 88 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस टाइप क्वेश्चंस के ऊपर शॉर्टकट, और अगर आप इस टाइप क्वेश्चंस के ऊपर प्रॉपर ट्रिक जानना चाहते हैं तो शॉर्ट टाइम एंड ट्रिक्स के प्रीवियस वीडियो को आप जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो एट फर्स्ट शॉर्टकट देखने से पहले क्वेश्चन क्या है देख लेते। क्वेश्चन में कहा है कि 30 लीटर्स का एसिड का मिक्सर है जिसमें एसिड एंड वाटर का रेशियो है 2:3। तो उस एसिड में, एसिड के मिक्सर में कितना वाटर ऐड करने पर एसिड एंड वाटर का रेशियो होगा 2:5। तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो देखिए आप 30 लीटर का एसिड का मिक्सर है जिसमें एसिड एंड वाटर का रेशियो है 2:3। अब कितना वाटर ऐड करने पर रेशियो होगा 2:5। एसिड एंड वाटर के रेशियो होगा 2:5। देखिए सिर्फ और सिर्फ वाटर ऐड किए गए हैं, यानी कि एसिड एसिड सेम है, एसिड सेम ही है दोनों में। तो सिंपली एसिड देखिए फर्स्ट कंडीशन में एसिड था 2 यूनिट, लास्ट जो कि सेकेंड कंडीशन में एसिड है 2 यूनिट, और वाटर जो कि ऐड किए गए हैं, वाटर इंक्रीज कितना हुआ है देखिए 3 से 5 हुआ है, यानी कि 2 यूनिट इंक्रीज हुआ है। यानी कि देखिए वाटर ऐड किए गए हैं 2 यूनिट, आप कह सकते हैं। अब देखिए 30 लीटर का एसिड का मिक्सर है, देखिए एसिड के मिक्सर पे एसिड है 2 यूनिट, वाटर है 3 यूनिट, टोटल कितना यूनिट है 2+3 5 यूनिट, टोटल मिक्सर 5 यूनिट दिया हुआ है 30 लीटर का मिक्सर, यानी कि आप कह सकते 5 यूनिट इक्वल टू 30 लीटर। अब देखिए 2 यूनिट इंक्रीज हुआ है, यानी कि 2 यूनिट आप बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं, जो कि 1 यूनिट होगा 6 और 6 × 2 जो कि 12 लीटर, यानी कि जो कि 12 लीटर वाटर ऐड करने पर एसिड एंड वाटर का रेशियो होगा 2:5, जो कि ऑप्शन बी 12 लीटर आपका आंसर होगा। और इस प्रोसेस से अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे इस टाइप क्वेश्चन तो विदाउट पेन और पेपर के भी इस टाइप क्वेश्चंस के आंसर निकल सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये पास सेकेंड क्वेश्चन, 729 ml का मिक्सर है जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 7:2। तो उसमें कितना वाटर एड करने पर रेशियो होगा, जो कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो होगा 7:3। देखिए मिक्सर में मिल्क है एंड वाटर है, इनिशियली रेशियो कितना है 7:2, वाटर ऐड करने पर रेशियो हुआ है कितना 7:3। देखिए मिल्क सेम है इनिशियली एंड बाद में, जो कि मिल्क सेम है, सिर्फ और सिर्फ वाटर ऐड किए गए हैं। अब इंक्रीज हुआ है कितना, देखिए 2 से 3 हुआ है, यानी कि +1 हुआ है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है। अब देखिए टोटल मिक्सर है कितना 729 ml का, देखिए मिल्क एंड वाटर मिल्क के मिक्सर है, मिल्क 7 यूनिट, वाटर 2 यूनिट, टोटल है 7+2 9 यूनिट, 9 यूनिट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 729, जो कि 729 ml का मिक्सर है, यानी कि 1 यूनिट क्या लिख सकते हैं 1 यूनिट, जो कि 9 से कैंसिल होगा, जो कि 81 यूनिट। अब देखिए इंक्रीज कितना हुआ है, 2 से 3 हुआ है, वाटर 2 से 3 हुआ है, 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है, 1 यूनिट इक्वल टू 81, यानी कि 81 ml जो कि वाटर ऐड किए गए हैं, तब जाके रेशियो हुआ है 7:3, जो कि ऑप्शन डी 81 ml आपका आंसर। और अब इसी टाइप क्वेश्चन में मान लीजिए मिल्क जो कि यहाँ पर सेम सेम दिख रहा है 7:7, अगर सेम नहीं होगा तब भी इस प्रोसेस से आप आंसर निकल सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो विदाउट पेन और पेपर के। तो किस तरह से, चलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं उसी टाइप का। और ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, 40 ml का मिक्सर है जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 7:1। तो कितना वाटर ऐड करने पर रेशियो होगा 3:1। तो सिंपली देखिए इनिशियली मिल्क एंड वाटर का रेशियो, मिल्क वाटर का रेशियो है 7:1। अब नेक्स्ट वाटर ऐड करने पर रेशियो हुआ है 3:1। देखिए मिल्क ऐड नहीं किया गया,
यानी कि मिल्क सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो मिल्क है सेम होना चाहिए। सो सेवन को थ्री से मल्टीप्लाई कीजिए एंड थ्री को सेवन से मल्टीप्लाई कीजिए, सेवन इंटू थ्री 21, थ्री इंटू सेवन 21। अब सेवन से थ्री मल्टीप्लाई हुआ है, इसको भी थ्री से मल्टीप्लाई कीजिए। अब थ्री सेवन से मल्टीप्लाई हुआ है, इसको भी सेवन से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि इस तरह से होगा मिल्क एंड वाटर का रेशियो, मिल्क वाटर 21 इनिशियली, रेशियो 3, नेक्स्ट हुआ है 21 रेशियो 7, मिल्क सेम है, वाटर इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज कितना हुआ है 3 से 7 हुआ है, प्लस 4 हुआ है। अब देखिए टोटल मिल्क है मिक्सर जो कि टोटल मिक्सचर है 40 ml का। अब देखिए 21 प्लस 3 24 ml, 24 यूनिट। अब 24 यूनिट इक्वल टू कह सकते हैं आप टोटल जो कि 40 ml। अब 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट होगा 40 अपॉन 24। अब देखिए इंक्रीज हुआ है कितना 4 यूनिट, सो 4 यूनिट होगा या पर सिंपली या पर 40 अपॉन 24 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए इस साइड में कर लेते हैं, 40 अपॉन 24 इंटू 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 6 और ये पर 20 अपॉन 3 ये पर डिवाइड कर लीजिए 6 एंड 2 अपॉन 3 ml, यानी कि 6 एंड 2 अपॉन 3 ml वाटर ऐड करने पर रेशियो होगा 3:1। और ये पर फाइनली आपके प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन, तो वीडियो का फर्स्ट पॉज कर लीजिए, देन इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर निकालने की कोशिश कीजिए और आंसर निकालने के बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।